In last session, we have started our November magazine, November Current Affair Vision magazine. Almost half of the magazine is discussed. We'll discuss the remaining part of our November monthly. I'm enabling share screen. Okay. हम अभी सेक्शन फोर सिक्योरिटी से स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, यहाँ पर 4.1 आर्टिकल इज अबाउट पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन. ओके, ये पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन जो बिल की बात चल रही थी उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कस है कि इसके ऊपर एक कमेटी अपॉइंट की गई थी. जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हैज फाइनलाइज्ड एंड अडॉप्टेड द ड्राफ्ट रिप्रेशन बिल. ओके, ये मतलब बहुत 2-3 साल से इश्यू चल रहा है बिल लाने के लिए, क्योंकि इंडिया में बहुत डाटा रेगुलेशन के लिए कोई भी अभी एक लॉ यूनिफॉर्म लॉ नहीं है, इसलिए लॉ लाने की बात चल रही थी. प्रोविजंस ऑफ पीडीपी बिल आर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट कमेटी चेयरमैन जस्टिस बी एन श्री कृष्णा. ये याद रखना, जस्टिस बी एन श्री कृष्णा, इनके अंडर में कमेटी अपॉइंट की गई थी जिसने ये बिल को रिकमेंड किया था. ओके, जस्टिस बी एन श्री कृष्णा ये और एक कमेटी के हेड थे, उसका नाम क्या था, मतलब किस चीज के लिए थी, कोई बताएगा मुझको? बी एन श्री कृष्णा कमेटी ये बनाई गई थी आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन मेकिंग इंडिया आर्बिट्रेशन हब, इसके लिए भी बी एन श्री कृष्णा कमेटी बिठाई गई थी. ठीक है, और ये जो एक्ट है, ये एक्ट में जो डाटा है, डाटा को क्लासिफाई किया गया है, मतलब शायद आगे दिया होगा. हाँ, तो ये देखते हैं, ये एक्ट में 3 टाइप में डाटा को क्लासिफाई किया गया है, सेंसेटिव पर्सनल डाटा, क्रिटिकल पर्सनल डाटा और जनरल पर्सनल डाटा. सेंसेटिव पर्सनल डाटा क्या रहता है? रिलेटेड टू फाइनेंस, हेल्थ, ऑफिशियल आइडेंटिफायर्स और बायोमेट्रिक, जेनेटिक, ट्रांसजेंडर स्टेटस वगैरह, ये सारे जो एक पर्सनल एकदम सेंसेटिव इंफॉर्मेशन है उसको हम कहेंगे सेंसेटिव पर्सनल डाटा. सेकेंड है क्रिटिकल पर्सनल डाटा, इसमें आएगा मिलिट्री और नेशनल सिक्योरिटी डाटा एंड गवर्नमेंट कैन डिफाइन इट फ्रॉम टाइम टू टाइम. और थर्ड है जनरल पर्सनल डाटा अदर देन सेंसिटिव एंड क्रिटिकल डाटा. जैसे जनरल डाटा में ये आएगा, लोग खाने में क्या पसंद करते हैं, या ट्रैफिक कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है, पार्क्स कहाँ पर है, तो ऐसे जो डाटे हैं वो डाटा आते हैं जनरल पर्सनल डाटा. तो ये एक्ट में ऐसा कहा गया है कि जो क्रिटिकल पर्सनल डाटा रहेगा, मतलब जो सेकंड नंबर वाला जिसमें मिलिट्री वगैरह आर्मी बेसिस की इंफॉर्मेशन है, ये जो डाटा है वो कंट्री में स्टोर किया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा, जिसको हम लोकलाइज प्रोसेसिंग कहते हैं. सेकंड नंबर का जो है सेंसिटिव पर्सनल डाटा, तो अगर इसको अगर कोई कंपनी फेसबुक है, फेसबुक के पास लोगों का डाटा है सेंसिटिव पर्सनल डाटा, और अगर उसको यूएसए में वगैरह स्टोर करना है, तो उसके लिए पहले जो जिसका डाटा है उसकी परमिशन लगे, मतलब पीपल ये चाहिए सेंसिटिव पर्सनल डाटा को दूसरे कंट्री में. और जो थर्ड टाइप का है जनरल पर्सनल डाटा, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कंपनी जो भी डिजिटल कंपनीज वगैरह रहेंगे, सोशल मीडिया कंपनी, ये मतलब अपने मर्जी से इसको कहां पर भी स्टोर कर सकते हैं. तो ये 3 टाइप के डाटा और इनको तीनों को अलग अलग प्रोविजन यहाँ पर किए गए थे. ओके, और एक बॉडी यहाँ पर बनाई जाएंगी, डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी. ये क्या करेंगी? Which may take steps to protect interest of individuals, prevent misuse of personal data, and ensure compliance with the bill. तो data protection authority ये बनाई जाएंगे. Okay. अब आपका homework है, data protection authority का chairman कौन रहता है? Okay. ये search करके लिख देना वहां पे. ये तो बाकी चीजें तो हमने discuss की है. Next आगे बढ़ते हैं. रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन लॉ इन्फोर्समेंट. ओके, चेक करता हूं मैं, रिकॉर्डिंग चालू है. रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, ये कुछ हम डिस्कस करेंगे अभी. तो यहाँ पर पंजाब पुलिस ने एक इनिशिएटिव लाया है, हैज अ सिटीजन फेसिंग पोर्टल सांच विच प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज फॉर डाउनलोडिंग फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स एंड सर्चिंग फॉर स्टोलन व्हीकल्स, लॉस्ट मोबाइल अमंग अदर सर्विसेज.
इसको EFIR वगैरह भी कहते हैं, ऐसे आपने महाराष्ट्र में भी वगैरह है, दूसरे स्टेट में भी रहते हैं, ओके, ऑनलाइन फाइलिंग के लिए केसेस को। इसके बाद है बिग जो रहता है, इसका भी यूज किया जा सकता है क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए, ऐसा कुछ। इसके चैलेंजेस भी हैं टेक्नोलॉजी के, जैसा ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हो सकता है, सिटीजन का प्राइवेसी से ब्रीच हो सकता है, सर्विलांस मॉनिटरिंग, सीसीटीवी कैमरा, एक्सपेंस कॉस्ट भी ज्यादा रहती है। ओके, हेलो कुछ खास सर, है नहीं इस आर्टिकल में। हाँ जी जी बोलिए। सर रिकॉर्डिंग नहीं हो हाँ रही है? बोलो। रिकॉर्डिंग नहीं चल रही रिकॉर्डिंग है हो रहा है सर? यहाँ पर, तो डॉट आप बता देखो, ओके सर, वीडियो हो के पास सर, डॉट चालू बटन हो बता सर, रहा है। हाँ ओके ओके, ओके सर, ओके चलो सर। कोई बात नहीं। हाँ अब देखो, वो वीडियो के पास डॉट अगर ब्लिंक कर रहा है ना, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट रहती है। ओके, सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो हमको इंडिया का पता है कि मतलब इंडिया डिफेंस पे बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करता है। ओके, पर लेकिन ये जो डिफेंस का जो अपना मैन्युफैक्चरिंग है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है। हम अक्सर अदर कंट्रीज से आर्म्स क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लार्जेस्ट आर्म सप्लाई टू इंडिया कौन है? रशिया आता है, सेकंड पे यूएसए। रशिया। ओके, और ऐसा ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया स्पेंडिंग में शायद थर्ड लार्जेस्ट है, स्पेंडिंग वगैरह में। ओके, अब यहाँ पर देखो, डिफेंस स्पेंडिंग की अगर सेकंड बात की जाए, सेकंड है। ओके ओके बराबर। डिफेंस एक्सपेंडिचर कॉन्स्टिट्यूटेड 2.9% ऑफ इंडिया टोटल जीडीपी, विच अप्रोक्सिमेटली स्पेंट ऑन डिफेंस। मतलब अराउंड 3% ऑफ जीडीपी हम डिफेंस पे स्पेंड कर रहे हैं। अब इमेजिन करो, एजुकेशन पे हम कितना करते हैं, कोई बताएगा? 2.45 समथिंग। ओके, इतना हम एजुकेशन पे करें, पूरा एजुकेशन है, प्राइमरी सेकेंडरी यूनिवर्सिटी रिसर्च वगैरह सारे। हेल्थ पर कितना करते हैं हम एक्सपेंडिचर? वन पॉइंट वही टू सर, आई परसेंट थिंक 1.2% है हाँ, सर। 1.2 इतना हो रहा है, और डिफेंस पे 3% हम कर रहे हैं। तो देखो इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर यहाँ पर होता है। ओके, इंडिया इमर्ज एज सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स। ओके, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स है हम, ये याद रखना। और सबसे ज्यादा शेयर है रशिया का। रशिया से अभी हम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने वाले हैं। डिफेंस इंडिजनाइजेशन के लिए गवर्नमेंट काफी सारे इनिशिएटिव्स लेकर आ रहा है, जिसमें डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ओके, मतलब ऐसे कुछ सेलेक्टेड रीजन्स रहेंगे, वहां पर डेडिकेटली वो डिफेंस के इंडस्ट्रीज बिठाए जाएंगे। तो दो बना रहे हैं, वन इन यूपी एंड अनदर इन तमिलनाडु। याद रखना, डिफेंस कॉरिडोर एक यूपी में आ रहा है, एक तमिलनाडु में आ रहा है। ओके, तो ये था यहाँ पर। नेक्स्ट, ड्रग ट्रेड के ऊपर आर्टिकल है। यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, ये पब्लिश करती है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट याद रखना, इट इज पब्लिश बाय UNODC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। ओके, और क्या हुआ देखो, इंडिया का जो लोकेशन है ना, ये लोकेशन इम्पोर्टेंट है। कभी भी ड्रग पर क्वेश्चन आते हुए डायग्राम बनाना है, बीच में इंडिया को दिखा, साइड में लेफ्ट हैंड साइड में गोल्डन क्रिसेंट और राइट में गोल्डन ट्रायंगल, ये निकालना ही है डायग्राम। ओके, ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये आता है गोल्डन क्रिसेंट में, और गोल्डन ट्रायंगल में जरूर नहीं, तीन कंट्री, पूरे कंट्री आते हैं वहाँ के, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, सभी आएंगे। ओके, तो ये गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट, ये तीन दोनों के बीच में काफी ज्यादा इशू हो गया। वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर इज अफगानिस्तान। ओके, अकाउंटिंग फॉर सम 87% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। ये सारे वर्ल्ड के हॉटस्पॉट हैं जहां पर ड्रग ट्राफिकिंग वगैरह होती है। जो ड्रग के काउंटर करने के लिए हमारे पास एक एक्ट है, उस एक्ट का नाम है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। ओके, ये काम करती है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है ये मतलब एक्ट? ये एक्ट के अंदर एक हमने पहले तो एक बॉडी बनाए हैं ना, ड्रग रिलेटेड क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने की, होम मिनिस्टर। जो अभी, हाँ MHA, MHA, गुड, होम अफेयर्स में एक हमने बॉडी बनाई, जो अभी काफी न्यूज में थी रिसेंट में, 2-3 महीना पहले।
आर्यन खान केस में, तो वो बॉडी का नाम था एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ओके, इसका नाम याद रखना एनसीबी। तो ये बॉडी आती है एमएचए में जो इन्वेस्टिगेशन करती है यहाँ पर। और यहाँ पर और क्या है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर है क्या मेंशन ड्रग्स के बारे में वगैरह? गेस करो। डीपीएसपी में, डीपीएसपी में, हाँ, स्टेट शैल एंडेवर आर्टिकल 46 सर, नहीं आर्टिकल 47 वगैरह ऐसा कुछ है, ठीक है, आर्टिकल नॉट इम्पोर्टेंट, जस्ट रिमेम्बर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बोला है स्टेट शैल एंडेवर टू मिटिगेट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स वगैरह ऐसा विच आर हार्मफुल, ठीक है, तो याद रखना ड्रग्स के बारे में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट, इंडियन ओशन नवाल सिंपोजियम, ये क्या है, इंडियन ओशन रीजन में जितने भी आर्मीज हैं, नेवी, तो नेवी की मीटिंग होती है, इसको कहते हैं IONS, 2008 में इसको बनाया गया था, 2008 ये पूछता है, पूछा भी गया है PYQ है, 2008 में इसका फॉर्मेशन हुआ मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए, इंडिया इज पाकिस्तान इज ऑल्सो मेंबर, ओके। वेला, फोर्थ सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75 दैट वॉज डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी रिसेंटली, ओके, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, मजगांव डॉक में बनाई जाती है, मुंबई में मजगांव डॉक, और फ्रांस के कोलैबोरेशन से बना रहे हैं वेला। नेक्स्ट है इज ऑपरेशन संकल्प, इंडियाज नेवी शिप त्रिकन इज करंटली डिप्लॉयड इन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमन एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन संकल्प। तो देखो यहाँ पर हम पर्शियन गल्फ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी का अनम्यूट हो तो म्यूट कर दो, थोड़ा नॉइज आ रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या चीज थी, ओके, मैप देख रहे थे हम, पर्शियन गल्फ का लोकेशन देखो, इट इज इन बिटवीन सऊदी, ईरान, इराक, कुवैत, ओके, ये जो बीच वाली वाटर बॉडी है पर्शियन गल्फ। अब मेरे को बोलो, सॉरी, यहाँ पर नीचे क्या है, ओमान है, ओमान के साइड में गल्फ ऑफ ओमान, इट इज इन बिटवीन ईरान एंड ओमान, टेल मी विच वाटर बॉडी कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ पर क्या है, ये बॉडी का नाम क्या है जो वाटर बॉडी है जो कनेक्ट करती है पर्शियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान? हॉर्मुज। कौन सी स्ट्रेट है वहां पर? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हाँ याद रखना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर मैं कहूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज इन बिटवीन ईरान एंड यूएई, करेक्ट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और यूएई के बीच में है, सही है गलत है? यस और नो? नो सर। ओके, और अगर मैं कहूँ इट इज इन बिटवीन ईरान एंड ओमान, ओके, हम मैप देख रहे थे, रहा था कि वो बीच में चेक करना, हाँ अभी आ रही है सर। ये देखो ये व्हाइट वाला जो पार्ट है, ओके रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ ओके रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब ये नहीं रहता, देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये लार्ज बॉडी रहती है, तो जितने भी कंट्रीज है सराउंडिंग में, जैसा अगर मैं कहूँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज इन बिटवीन ईरान एंड यूएई, ये भी करेक्ट है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज इन बिटवीन ईरान एंड ओमान ऐसा कहेंगे तो वो भी करेक्ट है, ओके, स्टेट मतलब कोई एक पॉइंट नहीं रहता है, तो आसपास के मतलब तो ये तीनों कंट्री। योर वॉइस इज क्रैशिंग सर। वॉइस इज क्रैशिंग, हाँ सर ब्रेक हो क्या आ रही है सर, फ्यू वर्ड्स आर मिसिंग।
अगेन अगेन सेम प्रॉब्लम सर, नहीं आ रही आवाज। ठीक हाँ ठीक है ठीक है ओके। ओके स्टेट ऑफ जिब्राल्टर एक स्टूडेंट का डाउट है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ कहाँ पर आती है। ओके अब देखो सपोज ये आपका अफ्रीका है, ऐसा कुछ नीचे जाएंगे ऐसा अफ्रीका है और ऊपर यूरोप यहाँ पर। ठीक है ठीक है यूरोप और ये मैप नहीं कर रहा हूं मैं, हाँ यहाँ पर स्पेन आएगा आपका। ठीक है इधर स्पेन है और यहाँ पर मोरक्को, तो ये दोनों के बीच में क्या जा रही है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है ट्विस्ट मोरक्को। तो मोरक्को का जो यहाँ पर पॉइंट है, जो क्लोजेस्ट पॉइंट है स्पेन से, ये है स्पेन की टेरिटरी। मोरक्को का जो क्लोज पॉइंट है और वहां वो स्पेन की टेरिटरी है और उसका नाम है सियूटा टीए। ओके और स्पेन का जो पॉइंट है यहाँ पर एंड पे जहां पर न्यारो होता है स्ट्रीम, तो वो टेरिटरी है ब्रिटेन के कंट्रोल में जिसका नाम है जिब्राल्टर। ओके तो अगर मैं कहूँ स्टेट ऑफ जिब्राल्टर इज बिटवीन स्पेन एंड मोरक्को, ये भी सही है। अगर कहते हैं इट इज बिटवीन ब्रिटेन एंड मोरक्को, ये भी सही है। इट इज इन बिटवीन स्पेन एंड ब्रिटेन, तो ये भी सही है। ओके तो ऐसा थोड़ा सा मैप देखना वहां पे ट्विस्ट, मैप में देखो थोड़ा जूम करके देखना, समझ में आएगा बाद में। ठीक है एंड नेक्स्ट नाउ इन्वायरमेंट, COP26 अगर अभी कंप्लीट हो गई ग्लासगो में, तो यहां पर कुछ 0 and 1.5 degree Celsius countries are called on to reach net zero carbon emissions by 2050 and to keep global temperature below 1.5. world ka temperature 1.5 degree tak kam karana hai aur net zero. net zero matlab kya rehta hai, net zero carbon emission kya rehta hai, matlab puri tarike se carbon zero karna. okay nahi sir jitna nahi nahi aisa nahi hai sir, jitna hum carbon kar rahe hain usko itni khatam karna, हाँ जितना बना रहे हो उतना उसको सिक्वेस्ट्रेशन भी कर दो। ओके तो उसको कहते हैं नेट जीरो। तो हमको नेट जीरो लेवल अचीव करना है, इसका मीनिंग ये नहीं कि कार्बन इमिशन जीरो करना है, नेट जीरो है। ओके सेकंड थिंग और क्या हुआ यहाँ पर, मोबिलाइज फाइनेंसिंग, डेवलप नेशंस आर आस्क्ड टू मोबिलाइज $100 billion इन क्लाइमेट फाइनेंस एज पर द पुअर नेशन टू टैकल क्लाइमेट चेंज। डेवलप्ड लोगों ने कंट्रीज ने क्या करना चाहिए, $100 billion देना चाहिए क्लीन डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो लोग भी क्लीन टेक्नोलॉजी डेवलप करें। और क्या हो गया देखो, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट भी साइन किया गया और मिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2030 और इसी तरीके से ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन 45% से कम करना है बाय 2030 एंड टू जीरो ओवरऑल बाय 2050। ठीक है ये छोड़ दो, इतना कुछ खास नहीं, ऊपर वाला याद रखना वो नेट जीरो और 1.5 डिग्री। यहाँ पर और एक चीज दी गई है, आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 6 क्या बोलता है कि अगर सपोज इंडिया को टारगेट दिया गया है कि तुमको एक्स वाई जेड टन कार्बन इमिशन कम करना है। ओके और दूसरा भूटान को भी दिया गया है टारगेट उनका वो कुछ तो भी एक एक्स वाई जेड अमाउंट है। सपोज भूटान ने क्या किया, अपना जितना प्रिस्क्राइब लिमिट था उससे और ज्यादा कम किया और इंडिया अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया जितना कम करना था किसी रीजंस की वजह से, तो इंडिया क्या कर सकता है ऐसे केस में, अपना क्राइटेरिया मीट करने के लिए जो भूटान का सरप्लस जो रिडक्शन हुआ वो खरीद सकता है। तो इसको कहते हैं कार्बन ट्रेड, कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म। तो आर्टिकल 6 इज फॉर कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म, इसी को एक क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कहते हैं। ओके और भी दूसरे नाम है जैसा और क्या कहते हैं, इमिशन रिडक्शन यूनिट ईआरयू।
ETF नाम है, आप उसको सर्च करके लिख देना तो उससे रिलेटेड है, कार्बन ट्रेडिंग के से रिलेटेड है। ओके नेक्स्ट, और एक यहाँ पर है सैंटियागो नेटवर्क, ये पहले से ही था, अभी नहीं आया, पहले से ही था सैंटियागो नेटवर्क। ये क्या करेगा, डेवलपिंग डेवलप कंट्रीज ने क्या बोले हैं, हम आपको पैसा देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट एडेप्टेशन फंड, तो ये पैसा टाइमली दे रहे नहीं दे रहे इसको मॉनिटर करने के लिए सैंटियागो नेट बनाया गया। ओके नेटवर्क सैंटियागो ऐसे कहां पर है, ये सिटी कहां पर है, कैपिटल है। ओके चिली कहां पर है, साउथ अमेरिका, कौन से साउथ अमेरिका, कौन से माउंटेन रेंज का नाम बताओ, एंडीज माउंटेन रेंज जाती है। ओके और डेजर्ट कौन सा है, वर्ल्ड ड्राइस्ट प्लेस ऑन द वर्ल्ड चिली में है, डेजर्ट का नाम अटाकामा डेजर्ट। देखो ये सारी चीजें हमको पता रहने चाहिए, ज्योग्राफी का पार्ट है ये। ओके वर्ल्ड के फेमस डेजर्ट कहाँ पे हैं, रीजन क्या है उसके, माउंटेन रेंजेस कहाँ पे, लोकेशन, यही तो पूछता है यूपीएससी। ओके नेक्स्ट है ग्लोबल मिथेन प्लेज, ये भी एक साइन किया गया वहां पे, किसी का शायद अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर देना, आपका नॉइज आ रहा है। ओके ग्लोबल मिथेन प्लेज, अ वॉलंटरी नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट अंडर विच सिग्नेटरी कंट्रीज हैव प्रॉमिस्ड टू कट देयर मिथेन इमिशंस बाय एटलीस्ट 30% बाय 2030। मिथेन इमिशंस हमको कम करना है 30% से बाय 2030। ओके तो इसमें यहां पर देखो, ये तो इनिशिएटिव साइन हुआ, मिथेन, मिथेन को क्यों कम करना है, क्योंकि मिथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस है इसलिए उसका इमिशन कम करना है। बट इतना याद रखना है इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। ओके इनिशिएटिव आया है, इंडिया इज नॉट द पार्टी, यहाँ पे क्रॉस बोल के दिया है ना, इज नॉट अ सिग्नेटरी। ओके तो ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब आगे बढ़ते हैं, पोल्यूशन इन नेशनल कैपिटल रीजन मतलब दिल्ली में, तो इसको एयर पोल्यूशन मतलब पूछा जा सकता है मेंस में भी प्रीलिम्स में भी, रीजंस क्या है दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन क्या है, तो आप लोग दो चीजें समझना, कुछ रीजंस मैनमेड है कुछ रीजंस नेचुरल है। मैनमेड में क्या आएंगे, एग्जॉस्ट व्हीकल से पोल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहा है, स्टबल बर्निंग होती है रीजन में, वहां पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, वेस्ट मैनेजमेंट, इनएडिक्वेट वेस्ट डिस्पोजल, ये इश्यूज हैं। और अगर लोकेशन एंड क्लाइमेट कंडीशन, एक टर्म आती है टेम्परेचर इन्वर्जन, क्या रहता है टेम्परेचर इन्वर्जन, सही टर्म यूज करो उसके लिए। देखो हम ग्राउंड से ऊपर जा रहे हैं, हाइट पर जा रहे हैं, क्या होता है टेम्परेचर बढ़ता है कम होता है, कम होता है, आपको हिल स्टेशन पे जाओ टेम्परेचर आपका कम हो रहा है, इसको कहेंगे नॉर्मल, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। वो नीचे से ऊपर जाना तो क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए ट्रोपोस्फियर में, लेकिन आप क्या होता है टेम्परेचर इन्वर्जन, ऐसी कंडीशन है नीचे से ऊपर जा रहे तो टेम्परेचर बढ़ता है। ओके ग्राउंड पे कम टेम्परेचर है ऊपर ज्यादा टेम्परेचर है, ऐसा होता है। ओके तो ऐसा कब होता है, जनरली विंटर में होता है, विंटर में ऑलरेडी टेम्परेचर कम रहता है। ओके तो क्या होता है, लैंड जो दिन में जो हीट होता है ना, रात में पूरी हीट इमिट करता रेडिएशन से, और विंटर में क्लाउड भी क्या रहते, सॉरी स्काई भी क्लाउडलेस रहते, तो पूरा का पूरा जो जो हीट इमिट कर रहा है लैंड पूरा डिस्पर्स हो जाती स्पेस में और ज्यादा इमिशन होता है। तो क्या होता, नीचे वाला ग्राउंड लेवल बहुत कूल हो जाता कंपेयर टू उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर थोड़ा सा हीट रहती है, तो इसको कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। पर ये चीज मतलब इससे कुछ फायदे भी हैं लेकिन नुकसान ज्यादा है। नुकसान में ये होता है कि नीचे कोल्ड है तो हाई प्रेशर रहेगा, हाई प्रेशर की वजह से जो पोल्यूटेंट रहते हैं, पोल्यूटेंट मूव नहीं करते, ऊपर नहीं जाते, जमीन पे ही नीचे के लेवल पे जमा हो जाते। ओके और उससे क्या तैयार होता, आपका स्मॉग तैयार होता, स्मोक प्लस फॉग दोनों मिलके
स्मॉग तैयार होता है, विजिबिलिटी कम होती है और पोल्यूटेंट वहां पे जमा रहते हैं। ये इशू दिल्ली में हर साल होता है, विंटर भी रहेगा, टेम्परेचर इन्वर्जन भी रहेगा और वही पीरियड में दिवाली भी आती है। दिवाली में फायर क्रैकर्स, तो उससे क्या होता है डस्ट वगैरह वो सब तैयार होता, पोल्यूटेंट्स तैयार होते हैं एयर में के, और ये सब जमा हो जाता। ओके ठीक है, तो इसको कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आप वहां पे नोट कर लो कंडीशंस फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन। तो क्या है, तो उसमें क्या है, विंटर सीजन लिखो, विंटर सीजन। सेकंड थिंग इज स्टील एयर, एयर स्टील रहने चाहिए, मतलब फ्लो नहीं होना चाहिए, फ्लो ही तो हीट डिसिपेशन होता है, तो स्टील एयर, काम एयर भी बोल सकते हैं, विंटर सीजन। और थर्ड कंडीशन है क्लाउडलेस स्काई, क्लियर स्काई भी कह सकते हैं। ओके तो ये तीन कंडीशन अगर है तो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। ओके एक आता है स्टील, काम एयर, स्टील एयर और क्लियर स्काई, याद रखना। तो ये ऐसे कंडीशन में टेम्परेचर इन्वर्जन होगा वहां पर, ठीक है। तो ये रीजंस थे दिल्ली, याद रख। फिर दिल्ली का एयर पोल्यूशन कम करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी, रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, GRAP इज एसेंशियली स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर व्हाट टू डू व्हेन एयर इन दिल्ली NCR गेट्स हेवीली पोल्यूटेड। इट वाज अप्रूव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2016। मतलब GRAP के सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड स्कीम है। ओके नेशनल, इसका एम है 20-30% से पर्टिकुलेट मैटर का कंसंट्रेशन हमको कम करना है। ओके भारत, ये व्हीकल से जो इमिशन होता है उसको कम करने के लिए, अभी कितना है हमारे इंडिया में भारत स्टेज नॉर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, कौन सा एप्लीकेबल है? 6 6 है, 6 है या 4 है? 6 ओके देखो हम 6 लाना चाहते हैं लेकिन अभी 6 है सिर्फ दिल्ली में। ओके अभी कोविड वगैरह आए तो इसको पोस्टपोन कर दिए, अपार्ट फ्रॉम दिल्ली NCR रीजन अदर साइड में भारत स्टेज 4 ही है, दिल्ली में सिर्फ भारत स्टेज 6 है, नहीं अभी नहीं है कोविड की वजह से आगे बढ़ गया। ओके नेक्स्ट, कोई एक डिक्लेरेशन साइन हुआ है, क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन फॉर ग्रीन शिपिंग। ग्रीन शिपिंग क्या रहती है, मतलब शिप से अब क्या करना है, इमिशन आपको कम करना है, जो शिपिंग वगैरह ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मरीन ट्रांसपोर्ट, तो उससे जो भी पोल्यूशन वगैरह हो रहा है उसको कम करना है, तो उसके लिए डिक्लेरेशन साइन हुआ है क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन। ओके बस नाम याद रखना। और इसी तरीके से मरीन पोल्यूशन कम करने के लिए दूसरे भी ट्रीटीज हैं, बॉडीज हैं, जैसा बॉडी है इंटरनेशनल मरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, ये एक बॉडी है जो रेगुलेट करती है मरीन शिपिंग को वगैरह वर्ल्ड लेवल पे। इसका हेडक्वार्टर कोई बता सकता है उनको कहां पे? इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। स्विट्जरलैंड में नहीं इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। ओके बराबर। और ऐसी और एक है इंटरनेशनल सिविल एविएशन, जो एविएशन सेक्टर को देखते है, उसका कहां पे हेडक्वार्टर? इंटरनेशनल सिविल एविएशन, इसका आएगा मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कनाडा। ओके याद रखना। नीचे और एक कन्वेंशन का नाम दिया है मारपोल, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन, मारपोल। तो बस वो बोलेंगे मारपोल ट्रीटी इज रिलेटेड टू कम्बैट मरीन पोल्यूशन, याद रखना। गवर्नमेंट ने एक नई बॉडी बनाया है नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी, NIRA जिसको कहते हैं, ये टू इम्प्लीमेंट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। ओके और इसका जो चेयरमैन रहेगा इट विल बी हेडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी। अब वो क्या करेंगे यहाँ पर, बस बोलेंगे NIRA नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी इज हेडेड बाय मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, ऐसा नहीं है सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर रहेगा। ये हमें कई जमाने से चल रहा है, हम मतलब ये करना चाहते हैं, रिवर इंटरलिंकिंग करना चाहते हैं, कई बार UPSC भी इसके बारे में पूछ चुका है, मेंस में भी प्रीलिम्स में भी रिवर इंटरलिंकिंग। तो हम हिमालयन रिवर को कनेक्ट करना चाहते हैं पेनिसुला रिवर, सरप्लस जहां पर वाटर है तो वहां से वाटर डिफिसिट एरिया में हमको वाटर लेकर आना है। तो यहाँ पर पेनिसुला रीजन में 16 प्रोजेक्ट है और हिमालयन में 14 प्रोजेक्ट है, प्रपोज प्रोजेक्ट है।
ओके, इसको एक बार देख लेना आप बाद में। नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन, ओके, रिसेंटली अ ब्लूप्रिंट फॉर नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन प्रिपेयर्ड। ठीक है, कोल गैसिफिकेशन क्या, मीनिंग क्या है इसका? कोल गैसिफिकेशन क्या करते हैं? कोल को गैस में कन्वर्ट करेंगे, बराबर। देखो, कोल गैसिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कोल इनटू सिंथेटिक गैस, उसको सिन गैस भी कहते हैं। उसमें क्या रहता है देखो, कि हाइड्रोजन रहेगा, कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन मतलब ये गैसेस इसमें रहते हैं। वो क्या बोलेगा, सिंथेटिक गैस कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन ओनली, ऐसा देगा तो गलत रहेगा, दूसरे भी गैसेस रहते हैं उसमें। तो ये तीन गैसेस में मेजर रहते हैं, जिसको हम सिंथेटिक गैस कहते हैं, और ये मतलब कंसिडर क्लीनर ऑप्शन कंपेयर टू बर्निंग ऑफ कोल। कोल में कैसा, ऐश वगैरह ये सारी चीजें भी रहती है, पर उसका गैसिफिकेशन करें तो वो सारे कंपोनेंट ऐश सल्फर वगैरह सब निकल जाते, बस ये CO, CO2, H2, तो एक क्लीनर फ्यूल है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब पोल्यूशन पूरा ही खत्म हो रहा है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी पोल्यूटेंट है, ओके, मतलब लेकिन कम हो जाएगा, पहले जितना हो रहा था कोल से तो उससे कम होता है कोल गैस, ये याद रखना। नेट जीरो इमिशन वगैरह ये जो अचीव करना है हमारे टारगेट, वो नेक्स्ट इज फ्लैश ड्रॉट। तो फ्लैश ड्रॉट क्या रहता है, तो यहां पर दिया है, इज कैरेक्टराइज बाय पीरियड ऑफ रैपिड ड्रॉट इंटेंसिफिकेशन। ड्रॉट मतलब वाटर स्कार्सिटी हो रही है, और वाटर स्कार्सिटी है लेकिन उसका रैपिडली इंटेंसिफिकेशन हो रहा है, बहुत जल्दी से बढ़ रहा है, इसको कहते हैं फ्लैश ड्रॉट, विच इंपैक्ट एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, इकोसिस्टम, ह्यूमन एनवायरमेंट। हो रहे हैं यूएसए ब्राजील, ओके, इट इज इन मोशन बाय लोअर देन नॉर्मल रेट ऑफ, क्यों, इसके रीजंस क्या है? तो बारिश का कम होना, प्रेसिपिटेशन कम होता है, एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर्स, विंड्स, रेडिएशंस, ये सारे रीजन। रीजन प्रोन ऐसा दिया है, तो यहाँ पर याद रखना ड्रॉट प्रोन रीजन कितना इंडिया में, हाँ ड्रॉट प्रोन रीजन अराउंड 60% बोल सकते ड्रॉट प्रोन, और इतना ही 60% ही हमारे पास क्या है, अर्थक्वेक प्रोन रीजन, अर्थक्वेक और ड्रॉट, ये तो ये चीज लगती है, ड्रॉट प्रोन और अर्थक्वेक प्रोन, और दूसरा जो रहता है लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड प्लस फ्लड, लैंडस्लाइड और फ्लड प्रोन रीजन हमारे पास 12.5% है। लैंडस्लाइड एंड फ्लड, क्या है ये, सैटेलाइट है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, ठीक है, इसको रिवाइज करा करो, बेसिक अपने सिलेबस के टॉपिक है, मेन है ज्योग्राफी का पूरा जो मानसून वगैरह मैकेनिज्म है पूरा, वो ITCZ के अराउंड ही रिवॉल्व होता है। समर में ITCZ हम बोलते हैं ना, ITCZ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास जा रहा है, तो ITCZ क्या होता है, ये इक्वेटर भी कहते हैं हम, जैसा हमारा इक्वेटर रहता है ना, तो जनरली क्या होते हैं हमारे, कन्वर्ज होते हैं, क्योंकि वहां पे लो प्रेशर रीजन रहता है, पर ये शिफ्ट होते रहता है, विंड्स का कन्वर्जन जोन, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इसको ही कहते हैं हम। तो अगर समर सीजन है तो ये नॉर्थ वर्ड शिफ्ट होता है, और विंटर है तो साउथ वर्ड शिफ्ट होता है, ओके, इसको ITCZ कहते हैं, जहां पर विंड कन्वर्ज हो रहे हैं, ओके। ड्रॉट्स के तीन टाइप है, मेटियोरोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चरल। मेटियोरोलॉजिकल ड्रॉट, ओके, क्या रहता है इसमें, मेटियोरोलॉजी हम बोलते हैं ना, वेदर फॉरकास्टिंग को मेटियोरोलॉजी बोलते हैं। अगर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वाटर डिफिशियंट वाटरफॉल है तो इसको हम कहेंगे मेटियोरोलॉजिकल ड्रॉट। दूसरा रहता है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट,
हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट में जो वाटर रिजर्वायर्स हैं, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, यहाँ का पानी कम हो जाता है, इसको कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल। तीसरा है एग्रीकल्चर ड्रॉट, अगर सॉइल में का मॉइस्चर कम हो जाता है तो उसको कहेंगे एग्रीकल्चर ड्रॉट। ये तीन टाइप याद रखना, इसको बार बार पढ़ना है। ओके, काफी भूले जाता है पर इसको याद करना है, मैथ द पेयर्स में अगर अक्सर इसको पूछा जाता है। नेक्स्ट, कुछ टाइगर रिजर्व न्यूज में था, पक्के टाइगर रिजर्व, ये PYQ है, इट इज इन अरुणाचल प्रदेश, पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के या पखुई ये भी नाम है इसका। अरुणाचल कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्ड कैसर हिंद एज अ स्टेट बटरफ्लाई विद अ व्यू टू बूस्टिंग बटरफ्लाई टूरिज्म एंड सेविंग द स्पेसिस फ्रॉम एक्सटेंशन इन द स्टेट। और भी दूसरे स्टेट हैं जिन्होंने एक स्टेट बटरफ्लाई, एक नया इनिशिएटिव लाया है, जैसा स्टेट एनिमल रहता है स्टेट बटरफ्लाई, स्टेट बर्ड रहता है ऐसे स्टेट बटरफ्लाई। महाराष्ट्र की है ब्लू मॉर्मोन, ओके, और दूसरे स्टेट की भी है, केरला की भी एक है, केरला की शायद बुद्धा बटरफ्लाई सा कुछ है, ओके, चेक करना। तमिलनाडु की भी एक है, इनके नाम थोड़े से पढ़ लो एक बार, अच्छा मालूम रहना चाहिए। नेक्स्ट, एक पोर्टल बनाया गया है ई अमृत, हाँ जी बोलिए। ऑल स्टेट के बर्ड्स का देखना रहेगा खाली स्पेसिफिक? नहीं 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 नहीं, अभी रिसेंट में जैसा आया ना ये फसल का भी लेटेस्ट में सैंक्शन हो तो ये देख लेना। और किसका कुछ एकदम हटके अगर नाम रहते हैं जैसा बुद्धा बटरफ्लाई, थोड़ा सा नया बुद्धा बटरफ्लाई, तो वो कहाँ का है वो देख लेने का बस। जी सर, जी सर, थोड़ा सा कुछ तो भी स्पेशल रहा तो ही देखने का, ऐसा मतलब सब नहीं करते बैठने का। ओके जी सर, ठीक है। ई अमृत पोर्टल, ई अमृत पोर्टल इट इज द वेब पोर्टल ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वॉज लॉन्च बाय इंडिया इन COP26 समिट ग्लासगो UK। ई अमृत पोर्टल लॉन्च हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, ई अमृत, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए फेम इंडिया स्कीम, FAME, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फेम स्कीम, ओके। और ये जो ई अमृत पोर्टल है इसको नीति आयोग बनाया है, ई अमृत पोर्टल। इसके बाद देखो सोशल इश्यूज में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द स्कूल, ओके, आर्टिकल है, दो रिपोर्ट यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, एक है नेशनल अचीवमेंट सर्वे और दूसरा एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एक गवर्नमेंट का है दूसरा NGO का है। पहला देखो नेशनल अचीवमेंट सर्वे, इट इज अ नेशनली रिप्रेजेंटेटिव लार्ज स्केल सर्वे ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग अंडरटेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो पहले वाला जो सर्वे है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, क्या करेंगे यहाँ पर ये लोग, स्कूल में जाएंगे तीसरी से पांचवी तक के बच्चों को और उनसे क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे, उनको थोड़ा सा देखेंगे पढ़ने आ रहा है लिखने आ रहा है मैथमेटिक्स वगैरह सॉल्व करने आ रहा है, तो इसको कहते हैं मतलब स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, असर रिपोर्ट, ये पब्लिश करता है प्रथम नाम की एक NGO है और हर साल ये पब्लिश करती है। ओके, ये भी क्या बेसिक लर्निंग कॉम्प्रहेंशन वगैरह ये स्किल चेक करेंगे बच्चों के, बट दोनों में डिफरेंस है, जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे यहाँ पर स्कूल में जाके असेसमेंट करते हैं और असर रिपोर्ट में हाउस होल्ड बेस्ड, ये स्कूल में नहीं जाते बच्चों के घर पे जाते हैं, घर पे जाके सवाल पूछेंगे, इसको कहते हैं असर नॉन सॉरी हाउस होल्ड बेस्ड, ये याद रखना। ये तो फिर छोड़ दो, ये भी पता नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च की, दो साल हो गए, इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए इसमें। ओके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ के तो इसके मेन प्रोविजन देख लेना, जैसा यहाँ पे क्या है क्रॉस स्ट्रीमिंग अलाउड है, आर्ट के बच्चे आगे चल के साइंस में भी परस्यू कर सकते हैं, ओके, क्रॉस स्ट्रीमिंग। फिर इसी तरीके से जैसा भी मिड डे मील्स मिल रहा है ना, अब ब्रेकफास्ट का भी स्कीम लाए हैं, मतलब बच्चों को ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। इसी तरीके से जैसा हम पढ़ते थे वीकर सेक्शन जहाँ पे इलिटरेसी वगैरह कम है वहाँ पे स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाएंगे, जैसा सेज रहते ना इंडस्ट्री प्रमोट करने के लिए, वैसा ही स्पेशल एजुकेशन जोन वो बनाकर वहाँ पर एजुकेशन जहाँ पे लिटरेसी कम है, वुमन लिटरेसी कम है, तो उसको प्रमोट किया जाएगा। ये चीजें हैं और भी दूसरे प्रोविजन है, जैसा अभी डिफरेंट बॉडीज गवर्न करते हैं, AICT, UGC और भी बॉडीज हैं एग्रीकल्चर के वगैरह अलग रहते हैं, तो ये सारे बॉडीज को मार के हम क्या बनाएंगे, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया।
ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट, रिसेंट में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश हुआ है और यहाँ पर इंडिया वाज 101 अमंग 116 कंट्रीज, ओके, ट्रेलिंग बिहाइंड पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। 101 पोजीशन है हमारी ग्लोबल हंगर, अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इट इज पब्लिश बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हाइव, डिजाइन टू कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर एंड ट्रैक हंगर एट ग्लोबल, रीजनल एंड कंट्री लेवल। इसमें क्या क्या है, ये डायग्राम से समझ में आए, थ्री डायमेंशन एंड फोर इंडिकेटर है। डायमेंशन कभी पहले आते हैं, इंडिकेटर बाद में आते हैं। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन एंड इन एडुकेट फूड सप्लाई, ये हो गए हमारे तीन डायमेंशन। और तीन डायमेंशन में इंडिकेटर्स हर एक को वन थर्ड वेटेज है। और यहाँ पर जो इंडिकेटर्स हैं, जैसा अंडर नरिशमेंट, अंडर नरिशमेंट मतलब इन एडुकेट कैलोरी इनटेक, प्रोटीन इनटेक, तो ये पूरी पॉपुलेशन है। और इसी तरीके से अंडर फाइव मॉर्टेलिटी रेट, 5 साल के कम बच्चे में कितनी डेथ हो रही है। इसी तरीके से स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, स्टंटिंग मतलब क्या रहता है, हाइट कम रहती है विथ रिस्पेक्ट टू एज, और वेस्टिंग में वेट कम रहता है विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। ओके, तो ये समझ लेना स्टंटिंग वेस्टिंग। इंडिया में सबसे ज्यादा है, स्टंटिंग भी है वेस्टिंग भी है, एनीमिया भी बहुत ज्यादा है, वुमन एनीमिया। ओके, वेस्टिंग अराउंड इंडियन चिल्ड्रन वेस्टेड है और स्टंटिंग 34% है, याद रखना, मतलब 17 का डबल 34। तो अंडर न्यूट्रिशन को कम्बैट करने के लिए हम स्कीम चला रहे हैं पोषण अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोषण अभियान, नेशनल पोषण मिशन भी हम इसको कहते हैं। तो इसमें टारगेट रखेंगे स्टंटिंग, अंडरवेट, एनीमिया और वेस्टिंग वगैरह, इन सबको हमको क्या करना है, कम कराना है, पोषण अभियान याद रखो। एक टर्म आती है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, लो हेल्थ केयर के लिए, हेल्थ फैसिलिटी के लिए लोगों को अपने जेब से कितना पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, उसको कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। जनरली जो डेवलप कंट्रीज हैं वो पूरे हेल्थ सर्विसेज फ्री में देते हैं, क्योंकि वो लोग हेल्थ एजुकेशन को बोलते हैं कि सोशल सेक्टर है और यहाँ पर पूरा गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करना चाहिए, बाकी जो मार्केट वगैरह है वहां पर पब्लिक को एक्सपेंडिचर करने दो। बट इंडिया में इतने हमारे पास फंडिंग नहीं है तो हम लोग हेल्थ पर कम खर्चा करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था अराउंड 1.2% हमारा हेल्थ पर एक्सपेंडिचर है। तो इसकी वजह से क्या होता है, लोगों को अपने जेब से ज्यादा पैसा खर्च करना है, हाई आउट ऑफ पॉकेट, ये अराउंड हमारे पास 60% है। सपोज के ऊपर खर्च हो रहे हैं तो उसमें से 60 रुपीज आर स्पेंड बाय पब्लिक। अब इश्यू क्या होता है, इंडिया में अक्सर लोग क्या है, मतलब 30% बीपीएल लोग हैं, ओके, और ऊपर से COVID-19 आ गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, इन सारे वजह की वजह से लोगों की वल्नरेबिलिटी बढ़ गई, डिसीज बर्डन भी बढ़ गया और पैसा भी नहीं है, और इसकी वजह से लोग क्या हो रहे हैं, पॉवर्टी ट्रैप में चले जा रहे हैं, पॉवर्टी, विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी में। ओके, ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स, जो घर में काम करने वाले वर्कर्स रहते, तो एक सर्वे कराया गया, इट इज रिलीज बाय मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। डोमेस्टिक वर्कर कौन रहते हैं, अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड इन एनी हाउस होल्ड ऑन अ टेम्पररी और परमानेंट बेसिस टू डू द हाउस होल्ड वर्क। ओके, नेक्स्ट, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री रिलीजेस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ये भी याद रखना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। अगर कोई डाटा कोट करना है ना, आप इसका डाटा कोट कर सकते हैं, इंडिया में IMR कितना है, CMR कितना है, तो बोलना एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इतना इतना है, टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग था, उसने क्या बोला, टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया का कितना हो गया, 2.0 हो गया, मतलब बिलो देन रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। रिप्लेसमेंट लेवल कितना है, 2.1। ओके, 2.1 मतलब अगर इससे क्या होगा, जितनी पॉपुलेशन है उतनी कंटिन्यू रहेंगे, पर हमारी क्या होगी, अब 2.0 मतलब जितनी है उससे अब कम होंगे। फर्टिलिटी, टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब हाउ मेनी चिल्ड्रन अ कपल इज प्रोड्यूसिंग।
ओके, और मतलब वुमन, चिल्ड्रन पर वुमन उसको कहते हैं। और जो सेक्स रेशियो है ये फर्स्ट टाइम 1000 से ज्यादा हो गया है, 1020, ये एक टोटल पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो है। ओके नेक्स्ट। इससे फाइव ओके, तो इसका एक होमवर्क लिख लो, इसको प्रिपेयर कौन करता है हेल्थ सर्वे, इसको बनाने में कौन पार्टिसिपेट करता है, ये आप लिख लेना। ओके नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट आई है। स्वच्छ सर्वेक्षण ये क्या करते हैं, सिटीज की रैंकिंग करते हैं बेस्ड ऑन क्लीनलीनेस। ओके अब वो स्टेटमेंट में बोलेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण रैंक बोथ सिटीज एज वेल एज विलेजेस, सही है गलत है, ओनली फॉर सिटीज, सिटीज भी पूरे नहीं कुछ सिटीज हैं, तो याद रखना। टॉप है वो इंदौर, इंदौर कंसिस्टेंस है, इंदौर आता है सेकंड पे, कौन रहता है, इंदौर और बाद में शायद सूरत, हाँ सूरत एंड देन विजयवाड़ा। ओके नेक्स्ट, साइंस एंड टेक, 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पर दिया गया है। 5G टेक्नोलॉजी रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, ये कुछ इसके बारे में छोड़ो, याद रखना 5G के लिए कमेटी है पॉल रॉज कमेटी। ओके वो बिठाई गई थी, और 5G में जो स्पीड मिलेगी 1 to 10 GB तक स्पीड है, ये वेरी करता है, मतलब कुछ अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग स्पीड देगा। ओके हम देख रहे थे लेजर इन्फर्नोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लीगो प्रोजेक्ट। ओके लेजर वेव ग्रेविटेशनल वेव काफी न्यूज में है, तो हिंगोली रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज हैंडेड ओवर लैंड फॉर लेजर इन्फर्नोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट फॉर सेटिंग अप लैबोरेटरी अलोंग सम अदर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके तो एक जो ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी करने के लिए वर्ल्ड में बहुत सारे लैबोरेटरीज हैं। ओके लीगो के तो कुछ USA में है, और इंडिया में एक नया बनाया जा रहा है हिंगोली में लीगो की। यहाँ पर एक टर्म है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये क्या कहती है, वी परस्यू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अराइज फ्रॉम द कर्वेचर ऑफ वार्पिंग ऑफ स्पेस एंड टाइम, द मोर मैसिव एन ऑब्जेक्ट द मोर इट ट्रैप्स द स्पेस अराउंड इट। अब इसको कैसा समझेंगे, देखो एक सपोज आपकी एक चादर है, ये चार कॉर्नर से चार लोग इसको पकड़े हैं। ओके और क्या किया आपने, बीच में एक स्टील का बॉल, हेवी बॉल आपने यहाँ पे रख दिया, स्टील का बॉल, इससे क्या होगा, ये नीचे अब जो आपकी चादर थी ऐसे नीचे पुल हो जाएंगे इस तरीके से कुछ। ओके उसके वेट की वजह से, और ये साइड वाले जो बॉडी कुछ भी सपोज आपने यहाँ पे कुछ चीज रखी है तो इसकी तरफ ये नीचे की तरफ स्लाइड होंगे। ओके तो ये कहती है मतलब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये कहा गया है कि जो पूरा यूनिवर्स है ये सॉलिड है, और जो प्लैनेट्स हैं ये बॉल हैं जो चादर में रखे जा रहे हैं, जो जितना ज्यादा वेट रहेगा वो उतना ज्यादा नीचे प्रेस करेगा वो चादर को, यूनिवर्स को, और साइड के बॉडीज उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे जो उसके पास से जाएंगे, तो यही रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है। ओके सन वगैरह, हाँ जितना हीवी रहेगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशन, तो ब्लैक होल्स वगैरह उनका और ज्यादा रहता है। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या रहते हैं, दे आर द रिपल्स इन स्पेस टाइम ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट कॉज बाय सम ऑफ द मोस्ट वायलेंट एनर्जेटिक प्रोसेसेस। अगर ये चार वेव्स ओशन में लेक्स में वेव्स तैरते हैं, अगर ये चादर में कुछ वेव्स ट्रांसमिट हो रहे हैं जिसको कहते हैं हम ग्रेविटेशनल वेव्स, तो वो कब होते हैं, देखो हमेशा नहीं होते, जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही हाई स्पीड से जाता है, या फिर एक कोई स्टार का एक्सप्लोजन हो रहा है जिसको हम सुपरनोवा कहते हैं, या फिर कोई दो बिग स्टार एक दूसरे को रोटेट कर रहे हैं, या फिर टू ब्लैक होल ऑर्बिट ईच अदर एंड मर्ज, मतलब एक बहुत ऐसे बड़ा जो इवेंट होता है ऐसा
तो तब क्या होता है, ग्रेविटेशनल वेव तैयार होते, जैसा पटाखा फोड़ने के बाद विंड्स अपने विंडो वाइब्रेट होते ना, तो ऐसे जब ऐसा इवेंट होता है तो वो चादर में रिपल्स तैयार होते हैं जिसको हम ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं, और वो डिटेक्ट करते हैं, फिर हम कोशिश कर रहे हैं उसको डिटेक्ट करने की। ओके डबल एरोइड रिडायरेक्शन टेस्ट, ओके ये नासा का मिशन है। क्या डिडिमोस पे हम क्या कर रहे हैं, एक सैटेलाइट भेज रहे हैं जो किससे कोलाइड करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, ये मतलब हम टेस्ट कर रहे हैं कि हम एस्ट्रोइड की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं क्या, ताकि आगे चल के कोई अगर एस्ट्रोइड का मतलब ये रहा, रिस्क रहा कि वो अर्थ पे कोलाइड करेगा, तो हम उसको पहले ही उसको डिफ्लेक्ट करें। तो एक्सपेरिमेंट है डिडिमोस सैटेलाइट को डिफ्लेक्ट करने वाले हैं। एक टर्म है यहाँ पर एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट क्या रहते हैं, इज एनी प्लैनेट बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम, अपने सोलर सिस्टम के बाहर जितने भी प्लैनेट है उनको हम कहेंगे एक्सोप्लैनेट। ओके और एक टर्म आती है न्यूज में गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन क्या रहती है, जैसा ऐसे कंडीशन रहना उस प्लैनेट पर जहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, जैसा अर्थ के कंडीशन है टेम्परेचर प्रेशर इस तरीके से कि लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, तो उसको कहेंगे गोल्डीलॉक्स जोन कहेंगे। तो हम ऐसे एक्सोप्लैनेट ढूंढ रहे हैं जहां पर गोल्डीलॉक्स कंडीशंस हैं। जायको डी नाम की नई वैक्सीन अप्रूव हुई है, ये वर्ल्ड फर्स्ट नीडल 19 वैक्सीन, नीडल फ्री वैक्सीन है। दिस इज द वर्ल्ड फर्स्ट नीडल फ्री प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड इन द टू लेयर्स ऑफ द स्किन यूजिंग नीडल। ये कंपनी ने जायकोडी ने जायडेक कैडिला इसकी कंपनी, और ये थ्री डोज एडमिनिस्टर्ड वैक्सीन इन द इंटरवल ऑफ 0 to 26, मतलब पहला डोज फिर एक महीने बाद फिर दूसरे महीने बाद। ओके और ये डीएनए वैक्सीन है, फर्स्ट डीएनए वैक्सीन भी है। ओके निडल और निडल ये देखिए इस पे समझ में आएगा डिफरेंस। निडल वाले वैक्सीन मतलब जहां पर ये निडल इंजेक्शन जिसको हम निडल्स कहते हैं वो यूज होता है, इससे पेन होता है स्किन के अंदर पूरा निडल जा रही है, लेकिन यहाँ पर बिना निडल के भी इंजेक्शन दिया जा सकता है, ऐसी रहती है वैक्सीन। ओके स्किन पे बस उसको टच करते हैं पॉइंट करते हैं वो फ्लूड ऑटोमेटिक स्किन के अंदर पेनिट्रेट होता है। तो इसमें क्या किया है, शोड रिडक्शन इन डेंगू केसेस आफ्टर ब्रीडिंग डेंगू मॉस्किटो विद वोल्बाचिया बैक्टीरिया। वोल्बाचिया मॉस्किटो में लेकर जाते हैं मतलब एडिस इजिप्टी वगैरह, उसके अंदर अगर वोल्बाचिया में बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर देते हैं तो वोल्बाचिया बैक्टीरिया क्या करते हैं उनको इनफर्टाइल कर देते हैं और वो आगे उनकी पॉपुलेशन बढ़ती नहीं। ओके लॉर्ड मैकॉले इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। लॉर्ड मैकॉले का दूसरा नाम ओरिजिनल नाम था थॉमस बैबिंगटन। ओके लॉर्ड मैकॉले को फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है, एक चीज ये हो गई। सेकंड इसने क्या बोला था, अ सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडियन अरेबिया। इंडियंस को अरेबियन को बहुत इंफेरियर मानता था, और इसने और एक कोट दिया था, ही वॉन्ट टू क्रिएट अ क्लास ऑफ पर्सन इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट ओपिनियन मॉरल। तो इसको वेस्टर्नाइजेशन वगैरह कराना था। तो ये सारी चीजें थी मैकॉले के बारे में। इसी तरीके से उसके पीरियड में मैकॉले मिनट आता है 1835 में, और वो बोलता है कि मतलब मिड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो रहेगा स्कूल में वो इट विल बी ओनली इंग्लिश। और इसने और एक बोला था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया था, मतलब कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि वो सारे लोगों को एजुकेशन दे, सरकार बस सिर्फ इलाइट लोगों को फ्यू लोगों को एजुकेशन देगी जो आगे चल के बाद में खुद परकुलेट करेंगे एजुकेशन को सोसाइटी में। फिर इसके बाद जो ये आता है वुड डिस्पैच आता है तो 1854 में, तो वुड डिस्पैच रिजेक्ट करता है मैकॉले के इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी को, वो बोलता है कि मास एजुकेशन देना चाहिए गवर्नमेंट ने।
एक सरस्वती नाम, इसको वेदाज में वगैरह मेंशन किया गया है, सरस्वती. सरस्वती, मिथिकल रिवर मेंशन इन द एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर, इज बिलीव टू बी एग्जिस्टेड ओवर 5000 ईयर अगो बट डिसअपीयर्ड अंडरग्राउंड बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक एंड अदर ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट. तो यहाँ पर थी ना राजस्थान से सरस्वती, इसको और एक नाम था घग्गर हाकरा. ये वैदिक पीरियड में इंडिया, इंडिया में एग्जिस्ट करती थी, अब नहीं है. श्रीनगर को ऐड किया गया यूनेस्को's लिस्ट ऑफ क्रिएटिव लिस्ट ऑफ नेटवर्क अंडर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट कैटेगरी. क्राफ्ट और फोक आर्ट से पहले और भी सिटीज हैं यूनेस्को's क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में, जैसा जयपुर है, जयपुर फॉर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, वाराणसी एंड चेन्नई फॉर म्यूजिक, मुंबई फॉर फिल्म, हैदराबाद फॉर गैस्ट्रोनॉमी. गैस्ट्रोनॉमी क्या रहता है? फूड, खाना पीना. वहां पर हलीम वगैरह मिलता है हैदराबाद में, कभी आप गए होंगे तो. ठीक है, इसके बाद देखो पद्मा अवार्ड्स प्रेजेंटेड बाय द, ओके ओके, हाँ वो लॉग आउट हो गए थे. हेलो सर. हाँ 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 ओके जी 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 सर, आपके आपके लेक्चर के दौरान सर, जी सर आ रही है. आपके लेक्चर के दौरान सर 15 से 20 मिनट में एक बार आप शायद डिस्कनेक्ट हो जाते हो सर, आपकी स्क्रीन और आप दोनों मतलब दिखाई नहीं देते हो, सुनाई नहीं देते हो, और ये आप ही के लेक्चर के दौरान होता है सर, मतलब कुछ शायद मोबाइल का इशू है शायद सर, ऐसा कुछ मे भी हो सकता है, थोड़ा सा इंटरनेट का भी यहाँ पर इशू है. मैं फिर से एक बार इसको कोशिश करता हूँ. वैसे मैं टैब पे पढ़ाता हूँ, इसका टैब है मेरे पास. मैं इसको एक बार देखता हूँ, वो थोड़ा बार बार दिक्कत दे रहा है, 3 से 4 बार ऐसा हो जा रहा है. हाँ सर, ये हुसैन सर के और लायक सर के लेक्चर में नहीं होता है, मतलब सर ऐसे कुछ डिवाइस का प्रॉब्लम होगा शायद. ओके ओके ठीक है ठीक है ओके. चलो अब देखो यहाँ पर जयपुर हमारे हैं क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में, तो मुझको बताओ जयपुर का फाउंडर कौन था. जयपुर सिटी इज एस्टैब्लिश बाय सवाई जय सिंह. सर आई थिंक सवाई जय सिंह. ओके सवाई जय सिंह. जय सिंह सवाई मतलब दूसरा, सवाई दूसरा, सॉरी दूसरा नहीं, उसका बेटा था, तो सवाई जय सिंह याद रखना. ठीक है, जय सिंह ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ औरंगजेब, और इनके बाद में आते हैं सवाई जय सिंह. तो ऑल्सो एस्टेब्लिश फॉर ऑब्जर्वेटरीज, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज, जिसको हम जंतर मंतर कहते हैं, अजमेर, जयपुर, मथुरा, वाराणसी, दिल्ली. अजमेर, जयपुर, मथुरा, वाराणसी नहीं शायद, वाराणसी था क्या कि उज्जैन था? अजमेर, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और दिल्ली. ओके, तो इन जगहों पर इन्होंने ऑब्जर्व. पद्मा अवार्ड्स रिपब्लिक डे के दिन दिए जाते हैं. ओके, 102 बार ब्रीफ इंटरप्शन हुआ है, 1978 टू 79 और 1993 टू 1997. लास्ट ईयर इसको पूछा गया, उसने बोला था शायद कि अभी तक सिर्फ एक बार ही इसको रोका गया, पद्मा अवार्ड को एक बार ही ब्रेक हो गई ये जो ट्रेडिशन है, ऐसा नहीं था, 2-3 बार इसको मतलब ये ब्रेक. पद्मा अवार्ड दिए जाते हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री. ऐसा याद रखो, जितना नाम बड़ा रहता है उतना बड़ा उसका प्रेस्टीज है, उतना बड़ा उसका लेवल है. पद्मश्री उससे बड़ा है, पद्म भूषण उससे बड़ा है पद्म विभूषण. ओके, और जो ये अवार्ड दिए जाते हैं तो पूरे कंट्री से नॉमिनेशन मंगवाए जाते हैं, कोई भी नॉमिनेशन कर सकता है, और एक कमेटी बिठाते हैं, कमेटी, इट इज चेयर्ड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी. याद रखना, वो सेंटेंस में क्या बोलूंगा कि प्राइम मिनिस्टर इज हेड दिस पद्म अवार्ड कमेटी, नॉट पीएम बट कैबिनेट सेक्रेटरी हेड दिस कमेटी. नेक्स्ट, पोचमपल्ली विलेज इज इन द न्यूज, इट इज सेलेक्टेड बाय एज वर्ल्ड टूरिज्म विलेज. UNWTO ने इसको वर्ल्ड टूरिज्म विलेज बोल के ये किया है. पोचमपल्ली इज ऑफन रेफर्ड टू एज द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया फॉर एक्विजिट साड़ीज वगैरह, इसके लिए भी फेमस है. इसी तरीके से पोचमपल्ली इकाट, वो सिल्क साड़ी की जो डिजाइन वगैरह करते हैं उसको इकाट कहते हैं, उसको GI टैग है. एंड थर्ड थिंग, आचार्य विनोबा भावे लॉन्च भूदान मूवमेंट फ्रॉम पोचमपल्ली इन 1951. ओके, ये भी याद रखना, भूदान मूवमेंट लॉन्च बाय विनोबा भावे इन पोचमपल्ली.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वो किस पढ़ते रहते हैं, तो इसमें रास्ते बनाना, ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड्स टू द विलेज, पॉपुलेशन है तो उनको भी कनेक्ट करना है, और हिली रीजन में वगैरह 250 से भी एलिवेशन है तो उसको भी, कुछ कंपोनेंट ऐड किए गए हैं, प्रमोशन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी हम प्रमोट करने वाले हैं इसमें, कोल्ड मिक्स, यूज ऑफ फ्लाई ऐश, जियो टेक्सटाइल, जायको सॉइल नैनो टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ कॉपर स्लैग। तो कोल्ड मिक्स वगैरह ये शायद इसके लिए यूज होता है, क्या कहते हैं उसको, टार डामर को क्या कहते हैं, तो कोल्ड मिक्स, ठीक है, तो याद रखना ये सब, हाँ हाँ ये सब पूछे गए हैं, कोल्ड मिक्स, फ्लाइश, फ्लाइश यूज हो सकता है क्या सीमेंट में, जायको सॉइल, कॉपर स्लैग, तो ये मल्टी यूटिलिटी रहते हैं, कॉपर स्लैग, बॉक्साइट की जो स्लैग रहती है, ये सारे, ये नाम याद रखना, ओके, इनसे रोड कंस्ट्रक्शन में इसको यूज किया जा सकता है, ओके। यहाँ पर देखो अपेंडिक्स में ट्राइबल रिवॉर्ड्स दिए गए हैं, ओके, ट्राइबल रिवॉर्ड्स पूरे के पूरे ट्राइबल रिवॉर्ड यहाँ पे शॉर्ट में दिए हैं, तो कुछ इसमें से हम देखते हैं, जैसा पहाड़िया, अपनी जो एनसीईआरटी है मॉडर्न इंडिया वाली थीम 3, तो जो पहला चैप्टर है इसके ऊपर, तो पहाड़िया, पहाड़िया एक कम्युनिटी थी जो छोटा नागपुर प्लेटू में रहते थे, पहले ये लोग प्लेन पर रहते थे, बट बाद में इनके रीजन में इनक्रोचमेंट हो गई और ये लोग चले गए पहाड़ पे, इसलिए उनका नाम गिरा पहाड़िया। पहाड़िया लोगों का मतलब क्या था, ये लोग एग्रीकल्चर करते थे बट दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से पर ये इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रोडक्टिविटी कम रहती थी, तो ब्रिटिश को उतना रिवेन्यू नहीं मिलता था, तो ब्रिटिश इनको फोर्स कर रहे थे कि आप क्या करो, सेटल एग्रीकल्चर करो, पर ये लोग नहीं मानते, ये लोग कहते हैं कि ये हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस, वो बोलते हैं कि अर्थ इज आवर मदर, एक मिनट, दो मिनट हम रुकते हैं, अभी हम ये देख रहे थे ट्राइबल अपराइजिंग्स देख रहे थे, ट्राइबल अपराइजिंग बहुत सारे हुए हैं, तो सारे के सारे पढ़ने की जरूरत नहीं, ये हाईलाइट वाले बस देख लेना, वो रीजन क्या था, रिवोल्ट का नाम, रीजन क्या था, अप्रोक्सीमेट पीरियड और उसका लीडर, ये थोड़े से अपने लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो हम पहाड़िया के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जी जी हाँ हाँ बोलिए,
ये पीडीएफ आप ग्रुप में डालेंगे ना सर? हाँ हाँ अभी भेज दूंगा ना मैं, वैसे अपलोडेड है बट इस पे थोड़ा और एडिट पड़ा, इस पे मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। ओके लेक्चर ओके के बाद कर दूंगा शेयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहाड़िया, पहाड़िया ये क्या थे, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे, पर ब्रिटिश को क्या था, मैक्सिमम रिवेन्यू चाहिए था, तो वो लोग इनको फोर्स कर रहे थे कि आप सेटल कल्टिवेशन करो, पर ये लोग बोले नहीं, हम अर्थ इज आवर मदर गॉडेस, हाउ कैन वी टियर इट, तो ये लोग मना कर देते हैं। फिर ब्रिटिश ने क्या किए, छोटा नागपुर में संताल्स को लेकर आए, संताल से बंगाल साइड से थे, और वहां पर लाके उनको सेटल किए, और जो संताल को जो लैंड दिए उसको कहते हैं दामने कोह, दामने कोह कहते हैं, मतलब हिल्स के नीचे वाला लैंड संताल को दे दिए। अब संताल और पहाड़िया में फाइट होने लगी, और पहाड़िया पहाड़िया थोड़े से बैकवर्ड थे, तो संताल ने उनको हरा कर इंटीरियर में मतलब उनको पुश कर दिया। फिर ये लोग पहाड़िया तो चले गए, फिर जो संताल थे, संताल में भी आगे क्या होगा, या ब्रिटिश के रिवेन्यू डिमांड ज्यादा रहती थी और वो कैश में रिवेन्यू डिमांड करते थे, तो इससे क्या होगा, ये लोग लोन लिया करते थे संतास मनी लेंडर से, मनी लेंडर ये लोग का एक्सप्लॉयटेशन करने लगे, और जो ये मनी लेंडर आउटसाइडर थे ना, इनको ये लोग दिकू कहते थे। तो बाद में यहाँ पर भी एक संताल लोग भी रिबिलियन करते हैं, और उसको कहते हैं संताल रिबिलियन, जो 1856 में होता है। ओके सिंधु और कानू ब्रदर्स वहां के लीडर रहे थे, रिबिलियन है सिंधु कानू। मुंडा रिवोल्ट हमको पता रहता है, बिरसा मुंडा, इनका 1900 में। ओके और हियर ओन रिलीजन, न्यू रिलीजन मुंडा, ऐसे कुछ ये आती है 1914-15 में, मुंडा और ओरान पीपल ट्राइबल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेड बाय जतरा भगत, ये भी अगेंस्ट इंटरफेरेंस ऑफ आउटसाइडर थी, एंड इट बिगेन एज अ संस्कृताइजेशन मूवमेंट। संस्कृताइजेशन का मीनिंग क्या होता है? ओके संस्कृताइजेशन मतलब अपर कास्ट के जो प्रैक्टिसेस रहते हैं उसको अडॉप्ट करना, जैसा ट्राइबल लोग नॉन वेज ईट करते थे, तो ये मूवमेंट ताना भगत ने क्या कहा कि नॉनवेज हम ईट नहीं करेंगे, ये हुआ। फिर जो गॉड गॉड गॉडेस वगैरह रहेंगे, ट्राइबल गॉड गॉडेस का वर्शिप नहीं करेंगे, जो जो मेन स्ट्रीम वाली सोसाइटी है, हिंदू सोसाइटी है, उनके गॉड और गॉडेस हम वर्शिप करेंगे, तो ऐसे ये कुछ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए, इसको कहते हैं संस्कृताइजेशन, ताना भगत मूवमेंट संस्कृताइजेशन। और ऐसे एक रंपा रिबेलियन होता है आंध्रा में, कोया लोग उसको लीड करते हैं, और उसके लीडर रहते हैं अलूरी सीताराम राजू। समझ में? श्रीनगर ज्वाइंस यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज, ये तो हमने देख लिया लोकेशंस में। टिग्रे रीजन इथियोपिया में वॉर चल रहा है। कुछ पर्सनालिटीज आर इन द न्यूज, लाइक कमलान क्वीन, ओके और मैरिड तो निजाम शाह गिन्नौरगढ़, और अभी एक रिसेंट में एक स्टेशन का नाम चेंज करके रानी कमलापट्टी रखा गया, और उस स्टेशन का नाम था हबीबगंज, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। इट इज मदन मोहन मालवीय, ये भी न्यूज में थे, रिलेटेड है, ही वाज द फाउंडर ऑफ हिंदू महासभा इन 1906, एंड सेकंडली इनके न्यूज़पेपर थे द लीडर, इनका न्यूज़पेपर था, और इनको ही वाज आल्सो फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ही वाज ऑनर्ड भारत रत्न। मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 1909 एंड 1918। ओके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इसी तरीके से जब पुना पैक्ट साइन हुआ था, पुना पैक्ट जिसमें शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन की बात की गई थी इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, तो तब इट वाज साइन बिटवीन अंबेडकर एंड मदन मोहन मालवीय। सलीम अली ये फेमस ओर्निथोलॉजिस्ट है इंडिया के। ओके इन्होंने काफी रिसर्च किया बर्ड्स, आता द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, और इनके नाम पे कई सारे सेंचुरीज वगैरह हैं, जैसा सलीम अली क्या है, बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है, कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर, हाँ लद्दाख रीजन, जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क है। एक सलीम अली लेक है औरंगाबाद में है। ओके
और एक कुछ रिसर्च सेंटर भी उनके नाम से गोवा में है। ओके रानी गंडीली 31-30 की जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी वहां पर काफी जोश से काम किया था नॉर्थ ईस्ट में, और हेरा का जो कल्ट है इसके लीडर थे और जवाहरलाल नेहरू ने इनको रानी टाइटल दी। तुलसी गौड़ा इनको अभी पद्मश्री अवार्ड से दीयमश्री अवार्ड दिया गया। शी वॉज हलक की ट्राइब और इनको इंसाइक्लोपीडिया फॉरेस्ट भी कहा जाता है। शी प्लांटेड ओवर 30,000 सैपलिंग्स इन हर लाइफ। राही भाई पोपेरे, ओके राही भाई पोपेरे इनको पद्मश्री और इन्होंने क्या किए थे जो लोकल वेराइटीज रहते हैं ट्रीज के उसको सेव किए, इसलिए इनको सीड मदर भी कहा जाता है। ये जो एग्जांपल है ना एथिक्स में डेडिकेशन सेल्फलेसनेस इंटीग्रिटी ऑनेस्टी ना नहीं रहता है, बस कुछ सेलेक्टेड देखना है। जो हम व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं उसके फादर हैं वर्गीस कुरियन, ऑपरेशन फ्लड चलाया था, अमूल जो डेयरी है ये इनका इन्होंने डेवलप की। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर नवंबर मैगजीन। ओके ओके